बीजेपी कैंडिडेट्स के चुनावी प्रचार के पोस्टर पर नरेंद्र मोदी की जगह अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पोस्टर लगा दिया जाए, उनकी तस्वीर लगा दी जाए, तो सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाएगी। ये हमारा कहना नहीं है, ये दुष्यंत चौटाला का कहना है जो कि हिसार से जेजेपी के प्रत्याशी है। समय हो चला है लगभग 11:11 पर, आप देख लीजिए महा कवरेज आप खबरें अभी तक पर देख पा रहे हैं और कोशिश यही है कि पल पल की अपडेट आपको दे। और इसी बीच हमें मौका मिला दुष्यंत चौटाला के साथ यहाँ पर डिनर करने का। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मैं सलाह नहीं दूंगा दर्शकों को कि इस समय डिनर करें, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं सर? टाइम ही अभी मिला है और अभी तो 4 मीटिंग्स बाकी हैं, शायद 1-2 बज जाएं सोते सोते, और सुबह उठकर फिर वही काम लगना है 6-6:30 बजे उठकर। ये तो चुनावी माहौल है और इसके अंदर तो कोई थकान नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो सीमा बांध देती है कि 10 बजे के बाद माइक बंद, मगर फिर गड़ा पाड़ो, कुछ ना कुछ तो करना। भी प्रॉब्लम लग रही है मुझे अभी, तो हो जाती है, सुबह तक ठीक कर लेते हैं। और हमारे पास तो एक देसी नुस्खा है जो मैंने सीखा चौटाला साहब से था कि अमरूद के पत्तों को उबाल के उसके गरारे करो और अगले दिन सुबह गड़ा बिल्कुल फिट मिलता है। सवाल यह है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, नरेंद्र मोदी का जो नाम है उसको लेकर क्या आपको लगता है कि नुकसान पहुंचा सकता है मोदी फैक्टर? इसलिए आप कहते हैं कि बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं। नहीं कहता कि मोदी फैक्टर को नुकसान पहुंचाता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसका मतलब तो वो अपना फेलियर मोदी जी की पीठ के पीछे छुपा रहे। जो लोग चुनावी मैदान में, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर वोट मांग लें। सर छोटू राम जी का क्या कद था, मेरे को तो हैरानी है कि वीरेंद्र सिंह जी की पूरी कैंपेन में सर छोटू राम उनको याद नहीं आए। क्या सर छोटू राम से बड़े नरेंद्र मोदी बन गए इस प्रदेश के अंदर? इस तरह की चीज को देखते हुए, समझते हुए, आज एक चीज क्लियर हो चुकी कि प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति हिसार लोकसभा में 5 साल में नहीं आया, आज उसके नाम पर भी हिसार में वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये चीज हैरानी की है कि क्या हालात है डेमोक्रेसी के, कि जहाँ लोग परिवर्तन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोग देखते हैं कि उन्नति प्रगति कैसे आएगी, और फिर इस तरह की सोच से राष्ट्रवाद की बातें कर कर दिखाना, ये दिखा देता है कि वो अपने फेलियर्स कहीं ना कहीं हमारे आर्मी पर्सनल्स के पीछे छुप कर बचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं चाहे कुछ भी कर लो आएगा मोदी ही, ये नारा हैशटैग करके भी चलाया जा रहा है, इसको लेकर भी आप वही बात कहेंगे कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बेवजह का मुद्दा? पत्रकार हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। 243 के अंदर किसी को भी प्रधानमंत्री बनना है तो 272 MP लाने पड़ेंगे जी। नरेंद्र मोदी जी की पिछली बार 288 आई थी जी। आज के दिन स्थिति क्या है? आज के दिन स्थिति ये है कि वही नरेंद्र मोदी जी जिनको 73 सीट उत्तर प्रदेश में मिली थी, वो उत्तर प्रदेश में आज 20-25 सीटों पर आकर सिमट रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जिन्हें राजस्थान को क्लीन स्वीप किया था, वो आज आधी सीटों पर राजस्थान पे आकर रुक रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी जो गुजरात को साफ करके आए थे, मध्य प्रदेश में 2 ही MP और पार्टी के बने थे, कांग्रेस के बने थे, आज उनको कोई तो ऐसी स्टेट बताओ जहां उनने गेन किया हो। हरियाणा के अंदर 7 आए थे, गारंटी दे सकता हूँ कि इस बार उनके 2 या 3 से ज्यादा MP नहीं बनेंगे। आप क्या, 2 से 3 ही बनेंगे बीजेपी के MP? बिल्कुल, जो परिस्थितियाँ बन रही है, आज के दिन सबसे मजबूत जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, और मैं ये मानता हूँ कि ये गठबंधन प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स लाएगा। हिसार की बात कर लें, चुनौती किससे है? 2 मजबूत कैंडिडेट कह रहे हैं कि आपके सामने, उनमें से कौन? जहाँ मुकाबले की बात है, मेरे सामने तो एक पार्टी वो है जिसने 10 साल इस प्रदेश को लूटा, बेच खाया 73,000 एकड़ जमीन, वो बेच के डकार गए, उसमें जीजा जी भी थे, दामाद जी भी थे, वो आपको मेरे से बेहतर पता है। और दूसरी ओर वो पार्टी है जो 5 साल से सत्ता में, जिसने जात पात धर्म मजहब के नाम पर हमारे बीच में बंटवारा कराने का प्रयास किया। आज हिसार की जनता ने फैसला करना, मैंने तो काम किया, आपने देखा भी होगा, चाहे पानी के टैंकर दिखे गाँव में, चाहे ढाणियों में बिजली पहुँचाने की बात आई। मुझे तो गर्व होता है कई बार अगर मैं कंपेयर करूं, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी सरकार ने 17,000 गांव के अंदर बिजली पहुंचाई,
तो मोदी जी मेरे तो 9 करोड़ रुपए एमपीलैड से लगे, 4,000 घरों में तो मैंने, ढाणियों में तो मैंने भी बिजली पहुंचाई। आपने किसी के घर तक तो बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया, मैंने तो मुफ्त में लोगों के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। ये उपलब्धि है, आइए डिबेट पे आइए, कोई बीजेपी वाला बताने का काम करूंगा एक एक फैक्ट पे कि हमने हिसार में क्या मॉडल खड़ा करने का काम किया। एमपीलैड तो 25 करोड़ ही था, मैं तो मेरे से पूर्व 3 सांसदों के भी 3.5-3.5 करोड़ रुपया ला के उसको इस्तेमाल कर गया हिसार की डेवलपमेंट के लिए। ये प्रगति होती है, ये सोच होती है। स्टार प्रचारकों की बात करें, एक तरफ बीजेपी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी सुनने में आया कि रोड शो भी करने वाली हैं। जेजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से केजरीवाल के अलावा कोई बड़ा चेहरा या कोई विपक्ष से आएगा कोई? हमारे पास ना तो को बड़ा चेहरा मानते ना मैं मानता, हमारे पास तो सबसे बड़ा चेहरा है तो हरियाणा की जनता है, और वो लोग चप्पल बनाते हैं, जूतियां बनाते हैं, महीने हो आम आदमी पार्टी के साथ देखना चाहते हैं। आपके विरोधी लगातार हमला चौटाला जी को लेकर जेल जाकर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, नैना चौटाला को लेकर भी हमलावर रहते हैं, ये आपको दुख नहीं पहुंचाता? आपको एक अच्छी चीज बताऊं, आई एम सॉरी टू से, नहीं मिलता कि मैं टीवी ऑन कर किसी और की बात सुनूं, और अगर इस तरह की कोई बयान की बात करी है तो मेरे संज्ञान में तो अब तक आई नहीं। मैं तो कोई कुछ भी कहे, देखो राजनीति के अंदर हर आदमी अलग हाइट्स पर गिरता है, और मुझे लगता है कि हमें सभ्य तरीके लड़ तो सांसद का चुनाव रहे हैं, मंत्री आ गया, लोगों की भावनाएं हैं, आप लोगों की भावनाओं को कैसे रोक सकते हैं? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, लोग उनको प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कहते, भावनाओं को जिस दिन आपने सरप्रेस किया लोग रिवोल्ट भी करेंगे। तो मैं, आप कैसे प्रचार करते हैं, और रोजाना क्या इसी तरह का समय हो जाता है कि आपको खाना भी 12 बजे के आसपास खाना पड़ता है, डिनर करना पड़ता है, और आज तो हमें भी करना पड़ गया? बिल्कुल इसी तरीके से जीवन चलता आया है, और मैंने तो बचपन से यही देखा है, कई बार तो 7-7, 8-8 दिन पिताजी घर नहीं आते थे, वो चुनावी कैंपेन में होते थे, कई बार जब वो नौर चुनाव लड़े तो हमें 2 महीने बाद उनको देखने का मौका मिला। तो मुझे लगता है ये ऐसा मौका है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, कैंडिडेट हो आप या ना हो, अगर आप पॉलिटिकली किसी पार्टी से जुड़े हो तो आपको रेस्टलेसली चुनाव के अंदर काम करना पड़ेगा, तभी सक्सेस आपके हाथ में आएगी। 14 और 19 में क्या फ़र्क है, अभी क्या देखते हैं जब आप जनता के बीच जाने, संतुष्ट हैं आप? 14 के अंदर मैं गिना नहीं सकता था मैंने क्या किया, मैं सिर्फ वोट मांगता था, और आज मैं गिनवा सकता हूँ और गर्व से छाती चौड़ी करके कह सकता हूँ कि मैं अगर आप हिसार लोकसभा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद पूरी तौर पर देने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बातचीत की खबरें तक से। तो ये दुष्यंत चौटाला जो कि संसद में भी ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं, युवाओं के सवाल हर वक्त
नजर आते हैं कि अपने काम से संतुष्ट हूं और आने वाले समय में इनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन ये वक्त बताएगा 23 मई को जो कि रिजल्ट आने वाले हैं। कैमरामैन सियाराम के साथ मैं कमल कौशिक, खबरें अभी तक, हिसार।